कुछ कहना चाहती हूँ, आपका एक मिनट लौटूंगा। मैडम कुनिका जी कांग्रेस की नेता हैं, बहुत देर से इंतजार कर रही है मुंबई में। कुनिका जी सीधा सवाल, क्या सलमान खुर्शीद इस लंच को अवॉइड नहीं कर सकते थे जन भावनाओं को समझते हुए? देखिए राठौड़ साहब ने जो अभी कहा, मैं मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ उनके नॉलेज को और उनकी रिसर्च को, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर हम लोग बातचीत नहीं करेंगे तो कौन हमारे लिए बातचीत करेगा? हम अमेरिका से कहेंगे या यूके से कहेंगे? हमें आपस में बातचीत करना जरूरी है। और ये लंच, ये जो लंच था, ये डिप्लोमेसी के हिसाब से एकदम सही था। और हो सकता है कि इस लंच में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस किए गए हों या ना किए गए हों, वी डोंट नो, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड शो दैट वी आर मेंटेनिंग आर डिप्लोमेटिक टाइज एंड वी डू नॉट, हम चाहते हैं कि ये रिश्ते सुधरे। अगर हम बात नहीं करेंगे तो रिश्ते सुधरे, डिस्कस किए गए हों या ना किए गए हों, वी डोंट नो, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड शो दैट वी आर मेंटेनिंग आर डिप्लोमेटिक टाइज एंड वी डू नॉट, हम चाहते हैं कि ये रिश्ते सुधरे। अगर हम बात नहीं करेंगे तो रिश्ते सुधरने का की कोई उम्मीद नहीं है। बात नहीं करेंगे तो रिश्ते कैसे सुधरेंगे? राठौर साहब इसका जवाब दे दीजिए। देखिए मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका था, अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी मन से ये बात आई कि बैक ट्रैक डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, अल्टरनेटिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए। क्या हमने इसको पास्ट में विगत वर्षों में नहीं किया? ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, 2005 में परवेज मुशर्रफ आए थे और 8 साल के बाद जरदारी साहब अप्रैल 2012 में आए, और जो हमने ये उम्मीद लगाई कि रिश्ते सुधरेंगे, दिसंबर 2012 में अपने तत्कालीन होम मिनिस्टर के बुलावे पर रहमान मलिक साहब आए और यहां क्या कह के गए? क्या उन्होंने कहा कि सौरभ कालिया की मौत मौत मौसम के वजह से हुई, या किसके वजह से? उन्हें नहीं पता। बोला हिंदुस्तान की रॉ ने 3 हिंदुस्तानी टेररिस्ट को 26/11 में इन्फिल्ट्रेट किया। अगर ये नियत है आपकी तो आपके साथ हमारे रिश्ते कैसे सुधरेंगे? नंबर वन। उसके बाद होता है जनवरी का ये एक मिनट। उसके बाद ये होता है जो अभी आपका जनवरी का हादसा हुआ, ठीक है। मैं फिर वही चीज दोहराना चाहता हूं कि जो 6 बिंदु आपने दिए उसमें एक था कि हिंदुओं की सुरक्षा। जिस समाज में शिया रोज कत्ल हो रहे हैं, जनवरी 2013 से आधे मार्च में 250 शिया मुसलमान कत्ल हुए हैं, जब अपने ही लोगों को वो मार रहे हैं, वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा की क्या बात कोई करता है? सरकार क्या कर सकता है? दिया गया वहां गवर्नर रूल लागू कर दिया। जब इस बात आप करेंगे, आपको ये भेद है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान अगर वो दुश्मन है, लश्कर ए तोयबा मेरा दोस्त है क्योंकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करता है, सैयद सलाहुद्दीन मेरा दोस्त है क्योंकि वो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करता है, वो समाज कगार पे खड़ा है विघटन की, उसमें हिंदुस्तान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को चलाने के लिए हिंदुस्तान की कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान की सरकार को चलाने के हम उन्हें एक सहारा दे सकते हैं, लेकिन हमने सहारा दिया, 3-3 डिवीजन हमारे सामने से निकाल ली है वेस्टर्न बॉर्डर से, हमने तो कुछ नहीं कहा।